प्लीज़ वेलकम संतोष आनंद जी, जोरदार तालियां हो जाए। आइए आइए। सर नमस्ते। प्रणाम। कैसे हैं सर? अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर आप यहाँ पर आए इंडियन आइडल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाया कि यार वर्षों बाद बम्बई में आया हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, किसी ने याद तो किया। सर आपने जो काम किया है, आपने जो गाने लिखे हैं, वो अमर है, वो हमारी जिंदगी और उसके आगे भी रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक आपके गाने रहेंगे सर। धन्यवाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की मुझ पर सर्वाधिक अनुकंपा रही, कृपा रही। वो दिन याद आते हैं बहुत अच्छी तरह। बहुत एक उड़ते हुए पंछी की तरह मैं यहाँ आता था और चला जाता था। रात रात भर जग के मैंने गीत नहीं अपना खून से कलम से लिखा है ये सब कुछ कलेजे से। प्यारे भाई ने और लक्ष्मी जी ने प्रेम से उन्हें सवारा तराशा। कितना अच्छा लगता है वो दिन याद करके। आज तो मेरे लिए कभी कभी ऐसा लगता है दिन भी रात हो गया। मैं जीने से जीना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह। और राम जी ने मुझ पर कृपा भी बहुत की थी, बहुत कुछ दिया भी था। सब कुछ कैसे चला गया, ये राम जी के कपाट किसने बंद कर दिए मुझे आज तक पता नहीं है। 10 बरस बाद सुल्तान पैदा हुई पहला लड़का। मैं भावुक हो गया हूँ, माफ करना। हम लोग पैदल जाते थे देवी यात्राओं पर, पहाड़ों पर, गर्मी में पीले कपड़े पहन के। साल भर बाद देवी माँ ने हमें प्रसाद दे दिया और उसी दिन मुझे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मैंने एक बात हमेशा कही है और वो आप ध्यान से सुन लीजिए कि हौसला जीतता है, हथियार नहीं। मेरी टांग भी टूट गई, 4-4 बार टूटी, लेकिन मेरा कलेजा नहीं टूटा है। अभी भी मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये मुझे ये था कि मैं अपनी कविता से दुनिया जीत लूँगा। अब आके लगता है कहीं तो संतोष आनंद गलत था। आज मेरे पास ना पावर है ना पैसा है, लेकिन जनता का प्यार बहुत है जी, बड़ा प्यार मिला। कुछ भी नहीं है तो कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी। हम करना अभी भी चाहता हूँ, बहुत कुछ चाहता हूँ। आ
संतोष सर नमस्ते प्रणाम. आज आपको यहाँ पे देखकर हम सबको इतना गर्व महसूस हो रहा है. आपके लिखे हुए जो गीत हैं उनसे हम सब ने प्यार करना सीखा है. और आज अब मुंबई जब आ गए हैं तो मेरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सबसे प्रार्थना है कि हम सर को खोने ना दें और सर को काम दें, उनसे गाने लिखवाएं. और सर मैं मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ. हम बहुत छोटे हैं सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा है. बट सर एक छोटी सी भेंट आपके चरणों में ये मेरी तरफ से कबूल कीजिएगा सर. मैं कैसे करूं, बड़ा स्वाभिमानी आदमी हूं. मैंने आज तक किसी से नहीं मांगा कुछ भी. आज भी मेहनत करता हूं, दूर दूर जाता हूं. सर ये आपकी आपकी आप ये समझिए कि आपकी पोती की तरफ से है. उसके लिए स्वीकार कर लूंगा. थैंक यू. बड़ी कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं बस एज अ कंपोजर मैं ये चाहूंगा कि एक आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है, एक तमन्ना होती है कि कुछ आपके जो चहीते जो गीत होंगे जो आपके पास पड़े हुए होंगे मैं वो आपसे लेना चाहूंगा और कोशिश करना चाहूंगा कि वो रिलीज होगा. कोशिश करेंगे कि लोगों को याद दिलाएं कि संतोष आनंद जी क्या चीज है. अरे ये आपका बड़प्पन है. आप ये खामोशी इसको जबान दो ना कुछ एक आयाम दो, ये गीत दो. सर नेहू आपको कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे. कुछ पाकर खो कुछ खो कर पाना है. जीवन का मतलब तो आना और जाना है. दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है. जिंदगी कुछ भी नहीं प्यार का नगमा है. जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी. प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है. जिंदगी आ
भी नहीं। तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी है, प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा आपके गानों की वजह से एलपी को कहाँ से कहा लाया आप? कमाल है, बहुत सालों के बाद भी मिल रहे हैं, दिल खुश है मेरा। आगे भाई जी मेरे मेरे भाई जी। इतना मैं जरूर कहूँगा कि एज एन ब्रदर, एज एन पोएट, एज एन पर्सन, ग्रेट पर्सन, संतोष आनंद। कुछ भी नहीं मेरी कहानी है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।